इश्क का भी इश्क है ता फिर मैं देखूं इश्क को कैसे तड़पे कैसे रोए इश्क अपने बच्चे, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। तुम्हें इस हाल में मैं नहीं देख सकती, दिल फटता है मेरा। निकालो अपने आप को इस हाल से बाहर, बाहर जाओ, नौकरी तलाश करो, हंसो खेलो, ऐसे गुमसुम मत रहो। नहीं हंस सकता मैं, दूसरों की खुशियों का खून करके नहीं हंस सकता मैं। आपने मुझे रिहाई तो दिलवा दी, मगर मेरी हंसी खुशी मर चुकी है। ऐसा मत कहो मेरे बच्चे, ऐसा मत कहो, प्लीज मुझे छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। मैं कैसे छोड़ दूं तुम्हारे हाल पर मेरे बच्चे, मैं माँ हूं तुम्हारी, मरते दम तक तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज माँ मुझे और गुनाहगार ना करें, बहुत असियत में हूं, छोड़ दे मुझे तना। तैमूर, खुदा के वास्ते खुद को संभालो इससे पहले कि मेरी हिम्मत जवाब दे जाए। छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, बस दुआ करें। तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ ही तो करती हूँ, जिसके नतीजे में आज तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। हेलो जी, सलाम अलैकुम जी। ज़ेबा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैंने आपको कॉल इसलिए की थी कि अब आगे हयात के आराम करने के दिन आ गए हैं और फिर गोद भराई भी होनी है, तो मैं सोची थी कि अगर आप इजाज़त दें तो वो मेरे घर आ जाए। हाँ हाँ ज़रूर, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मैं तो खुद भी यही चाह रही थी कि कुछ दिनों के लिए हयात आपके पास चली जाए। काफ़ी काफ़ी सुस्त हो रही है, हालांकि ये तो उसके खुश रहने के दिन हैं। जी तो फिर मैं उसको अपने घर ले आऊँगी और जब दिन तय हो जाएगा तो मैं गोद भराई का आपको बता दूँगी, आपने ज़रूर आना है। जी जी ज़रूर, खुदा हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कभी कभार कुछ मंजर भुलाई नहीं भूलते, लाख कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो दर्दनाक मंजर मेरी आंखों के सामने आ ही जाता है। हयात,
मेरा। कुछ कहा? मैं तो कब से कह रहा हूँ, तुम ही नहीं सुन रही हो। ये तो अभी सुनी है आपकी आवाज। क्या हो गया तुम्हें, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, मैं आपको क्यों परेशान करूंगी? कुछ बदली बदली सी लग रही हो। I don't know, मैं कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। इतनी अजनबियत किस लिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो पहले जैसी हूँ। नहीं गुमसुम तो तुम पहले कभी नहीं थी, हर वक्त एक चहचहाती चिड़िया की तरह खुश रहती थी। This is not you, ये तुम नहीं हो यार। अच्छा तो ये मेरा भूत है क्या? आप प्लीज परेशान ना हो, कुछ भी नहीं हुआ। पर वैसे भी ऐसी हालत में कुछ चेंजेस तो आते ही है ना। बहुत बदल गए तुम, तभी तो हमारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया, पर तुमने मुझसे नजरें बदल ली। नजरें तो नहीं बदली मैंने, आप मुझे गिल्टी फील करवा रहे हैं। तो तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? क्या हो गया, तुम तो बाकी में घबरा गई हो। ओए देयर्स अ डील, हमारा बच्चा पहले नंबर पे और मैं दूसरे नंबर पे, अब तो ठीक है ना? वैसे भी अब तो वही हमारी मोहब्बत का मरकज होगा, हमारे प्यार की निशानी। इससे बढ़ के और क्या होगी है ना? लेकिन है यार, मैं इस दुनिया की हर शय, हर इंसान से बढ़ के तुम्हें प्यार करता हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। भूलूंगी तो याद रखूंगी ना। मैं ये बात भूल ही नहीं सकती। से तुम ही ना बहुत चालाक हो, बातों को यूं घुमाती हो। आप ही से सीखा है उस्ताद जी। शुक्र है, मेरे शागिर्द के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी तो है।